सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 19 जनवरी 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 19 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। एक बार फिर से बेरोजगारों की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मांग, थर्ड ग्रेड के 30,000 पद खाली, नई रेट 2024 की विज्ञप्ति जारी करे। युवाओं ने की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग, रीट शिक्षक भर्ती पाली। राजस्थान पत्रिका न्यूज़, भजन ला सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, सरकार ने मानी मांग, आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी। कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीने के कामकाज की जांच के लिए बनाई जाएगी समिति। जयपुर, जल्द तय होगी नई परीक्षा तिथि, कैबिनेट बैठक में ये हुए बड़े फैसले। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए नीतिगत फैसलों की समीक्षा के लिए समिति का गठन होगा। 3 महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मीसा बंदियों की पेंशन को मंजूरी, सदन में विधेयक भी लाया जाएगा। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का भी परीक्षा कैलेंडर बनेगा। विभागों की 100 दिन की कार्य योजना को भी मंजूरी दी। भाजपा के संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया गया। 2.5 लाख नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होगी। राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक, मीसा बंदियों की पेंशन बहाल, आरएएस भर्ती परीक्षा आगे बढ़ी। सरकार ने माना सुझाव, तय तिथि से 7 दिन पहले मुख्य परीक्षा स्थगित। भास्कर ने आरपीएससी की कमियां बता तारीख बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। अब आरएएस मेंस जून जुलाई में हर साल, यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर भी। आंदोलन खत्म, आभार जताने पहुंचे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों की मांग, जायज नहीं दिया तैयारी का समय। यूनिवर्सिटी पहुंच किरोड़ी ने खत्म कराया धरना प्रदर्शन, किरोड़ी के लिए आई लव यू के नारे भी लगे। जयपुर, कांग्रेस के समय से मांग, भाजपा सरकार ने पूरा किया। जयपुर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, राजस्थान विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस के पैटर्न में बदलाव, 1000 से 1500 शब्दों का राइटअप का प्रेजेंटेशन जरूरी। नवोदय विद्यालय प्रवेश, 1 सीट पर 51 दावेदार। जेडब्ल्यू मैन एनटीए ने जारी की परीक्षाओं की तारीख। आरपीएससी ने जेएलओ भर्ती के प्राप्तांक जारी किए। जोधपुर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय तंगहाली का भोज, स्टूडेंट्स पर ट्रांसफर कर रहा है 50,700 छात्रों से डेटा, हेडलिंग के 2.53 करोड़ वसूल रहा है। पशु परिचारक भर्ती के लिए आवेदन आज से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जयपुर, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 21 को नई सरकार में कर्मचारी चयन बोर्ड की पहली भर्ती परीक्षा। अभ्यर्थी ध्यान दे, ऐसा फोटो लेकर जाएं जो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो, आधार कार्ड में जन्म तिथि जरूरी। जयपुर, कर्मोन्नत स्कूलों में सैकड़ों शिक्षक हुए अधिशेष, समायोजन नहीं होने से अब वेतन के पड़े लाले। जिले में 300 से अधिक व प्रदेश में 20,000 शिक्षक महीनों से चल रहे हैं अधिशेष पर। शिक्षा विभाग, गणित विज्ञान लेवल 2 के पद, उसका समायोजन इसी विद्यालय में। बीकानेर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, 58 स्कूलों के 6ठी कक्षा में खाली, 4,640 सीटों पर 2.37 लाख विद्यार्थियों के बीच रहेगी स्पर्धा। 376 डीएलएड कॉलेजों में सीटें आवंटित, सेशन शुरू नहीं। सेगावटी विश्वविद्यालय, अब विद्यार्थियों को प्रवेश से पहले देना होगा नशा न करने का शपथ पत्र स्वीकार। अजमेर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज, आरपीएससी सरकार के बाद अब गेंद आयोग के पाले में। अभ्यर्थियों को नई तिथि का इंतजार, आरएस 2018 मुख्य परीक्षा की तिथि 2 बार बढ़ी थी, अंतिम बार 6 माह का समय अभ्यर्थियों को मिला था।
प्रायोगिक परीक्षाएं स्वरूप प्राप्तांक ऑनलाइन मंगवाए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। आयोग ने जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती के प्राप्तांक जारी किए। आरएस मुख्य परीक्षा 2023 आज या कल में स्थगित की जा सकती है। तिथि, सरकार के आग्रह पत्र का इंतजार आरपीएससी को। जैसे पत्र पहुंचता है आरपीएससी प्रेस नोट जारी करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अध्यक्ष और सचिव अजमेर में नहीं थे। गार्गी पुरस्कार के लिए 31 तक कर सकेंगे आवेदन। आखिरी मौका खंडेला। पांचवी बोर्ड 80 अंकों की परीक्षा 20 के सत्रांक होंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का नियुक्ति प्रकोष्ठ प्रारंभिक में शिफ्ट होगा। निदेशक अधिकारी भी वापस प्रारंभिक में आएंगे। डूंगरपुर 4500 पदों पर होगी भर्ती। पिछली रीट 43,000 पदों पर अब तक नियुक्ति मिल चुकी है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रोविजनल लिस्ट का है इंतजार। 8 भर्तियों में शामिल बेरोजगार जयपुर में करेंगे प्रदर्शन। सीफू की धीमी चाल से बांसवाड़ा के 80 फार्मासिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया अटकी। 8 भर्तियों में शामिल बेरोजगार करेंगे प्रदर्शन। इन 8 भर्तियों में फार्मासिस्ट को छोड़ 7 की आखिरी लिस्ट का इंतजार। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जेडब्ल्यू मैन 2024 14,00,000 छात्रों के आवेदन। बीई बीटेक 27, 29, 30, 31 जनवरी व 1 फरवरी को केंद्र और परीक्षा तिथि जारी। बिहार के छात्रों को समस्या। बीएड कॉलेजों को जीजीटीयू ने स्टूडेंट्स के 215 करोड़ नहीं दिए। एफडीआर से कमा रहे ब्याज। बांसवाड़ा बोर्ड परीक्षा फरवरी में 30% कोर्स अधूरा, रिवीजन भी बाकी। 18 जनवरी तक करीब 140 वर्किंग डे में से करीब 60 दिन ही स्कूल जा सकेंगे शिक्षक। अतिरिक्त कक्षाओं से भी कोर्स पूरा नहीं हो सका। डूंगरपुर भास्कर न्यूज। बड़ी समस्या, बोर्ड परीक्षा फरवरी में अतिरिक्त कक्षाओं के बावजूद 30% कोर्स अधूरा। बांसवाड़ा सीनियर की परीक्षाएं 29 फरवरी व सेकेंड ईयर की 7 मार्च से। इस बार 10 से 25% तक पाठ्यक्रम घटाया। टोंक राजस्थान विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों का धरना स्थगित। किरोड़ी पहुंचे विश्वविद्यालय। नवज्योति न्यूज। पीएम श्री स्कूल बच्चियों के लिए माता पिता की तरह मेंटर बनेंगे शिक्षक। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक का ध्यान रखेंगे। निर्देश, परीक्षा से पहले करने होंगे। माध्यमिक को 10 व प्राथमिक स्कूलों को 5,000 रुपये का बजट मिलेगा। 30 जनवरी से पहले करने होंगे स्कूलों में वार्षिक उत्सव। नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। टोंक सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 मामला। तैयारी के लिए अब सबसे ज़्यादा समय मिलने के आसार। इसके अलावा आरपीएससी जारी करेगा अब नया कैलेंडर। यूपीएससी की तर्ज पर आने वाली नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती भी शामिल होगी। आयोग की है प्रतियोगी परीक्षाएं प्रस्तावित। 905 पदों के लिए 19,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी कर रहे हैं तैयारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। नवज्योति बीई बीटेक के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा सेंटर की सूचना पर्ची जारी। नवज्योति न्यूज। सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 21 जनवरी को जोधपुर में। परीक्षा के सफल संपादन को लेकर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित। नवज्योति न्यूज जोधपुर।